बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुकांतो मजुमदार, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, हमारे यहां के लोकसभा के प्रत्याशी बहरामपुर के डॉक्टर निर्मल कुमार साहा जी, श्री शंकर राव सरकार जी, सुमित कुमार दास जी स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट, अमिताभ रॉय जी विभाग के कन्वीनर, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, सौभाग्य के नमस्कार। अभी आपके सामने चुनाव के दृष्टि से, इलेक्शन के दृष्टि से डॉक्टर निर्मल साहा जी ने और सुकांतो मजुमदार जी ने आपके सामने वक्तव्य रखा है। चुनाव के दृष्टि से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बंगाल, जिसे आज तीव्र गति से आगे चलना चाहिए था, वह ममता जी के राज में भ्रष्टाचार, टोलाबाजी, कुशासन के कारण उसका विकास रुक गया। हमने बंगाल के बारे में सुना था, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स अबाउट इट टुमारो। जो आज बंगाल सोचता है वह देश कल सोचता है। अग्रगणी राज्यों में बंगाल को माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ममता जी की सरकार ने बंगाल को जिस तरीके से बदनाम किया, जिस तरीके से बंगाल में कुशासन किया, उससे बंगाल की स्थिति बहुत ही नाजुक और बहुत ही खराब हो गई। हम यहां यह भी कहना चाहते हैं कि एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं और मजबूत सरकार बनाने के लिए मैं बहरामपुर आया हूं। मुझे डॉक्टर निर्मल शाह जी की जरूरत है। आप निर्मल शाह जी को एमपी बनाकर के भेजना और मोदी जी के नेतृत्व में हम मजबूती से देश को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, जब हम मजबूत सरकार की बात करते हैं तो ममता जी मजबूर सरकार की बात करती हैं और मजबूर सरकार चाहती हैं, ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण करती है, जो भेदभाव करती है, जो आतंकवादियों के साथ नरमी रखती है, जो आतंकवादियों को कहीं ना कहीं हमदर्दी के साथ देखने की आदत रखती है, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनती है। जब पाकिस्तान हमारे ऊपर बुरी नजर डालता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है और घर में घुसकर मारता है, ये हमने देखा है। मित्रों, हमने देखा यूपीए के जमाने में ये जो आतंकवादी कश्मीर के थे, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय निमंत्रण देकर के बुलाता था। ये मजबूर सरकार, मजबूर सरकार का नमूना था। और हमने मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार भी देखी, जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। मजबूत सरकार मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संविधान के दृष्टि से एक साथ जोड़ करके रखा। मित्रों, हम देखते हैं
ममता जी के राज में और यूपीए के राज में मजबूर सरकार में आए दिन भ्रष्टाचार होता, आए दिन भ्रष्टाचार, हर तरीके का भ्रष्टाचार। बोलो टीएमसी के नेताओं के घर से पैसे निकले कि नहीं निकले, रुपयों का गड्डी निकला कि नहीं निकला, जखीरा निकला कि नहीं निकला, टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया, ये सब घोटालेबाज भ्रष्टाचार करने वाले, ये मजबूर सरकार चाहते थे। और मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार चली, 10 साल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ, किसी भी तरीके का घोटाला नहीं हुआ, ये मजबूत सरकार का नतीजा है। आज दुनिया में जितनी भी देश हैं, विकसित देश हैं, आज उनकी आर्थिक नीति डगमगा रही है, डगमगा रही है। चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सबकी आर्थिक नीति डगमगा रही है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ही एक चमकता सितारा है, और भारत ही जिसने 11 नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और आप निर्मल शाह जी को यहां से चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत 3वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, 3वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मित्रों, आज हम हर क्षेत्र में आगे हैं, ऑटोमोबाइल में हम 3वें नंबर पर खड़े हैं, हमने जापान को पिछाड़ दिया, दवाई बनाने में भारत 2रे नंबर पर खड़ा है, सबसे सस्ती और असरदार दवा, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे पूछना, सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है, आज भारत बना रहा है। और हम दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 138% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। पेट्रोकेमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। खिलौने, हमारे खिलौने टॉय जो चाइना से आते थे, आज भारत खिलौने बनाने में 3रे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया है। और एक बात और बता दूं, आप लोगों के पास मोबाइल है, बहुत से लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे हैं, 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन कोरिया, 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन जापान, आज आप सबके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। ये मोदी जी के नेतृत्व में बदलता भारत है। सड़कों का जाल बिछड़ा है, 55,000 किलोमीटर की सड़क बनी है, 55,000 किलोमीटर की, और लगभग 56,866 हमारे रेलवे लाइन नहीं बिछी है। और इसी के साथ साथ विकास के काम को नया आयाम दिया गया है। मैं यहां, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, बताइए मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको किसी ने भी अगर ताकत दी और मजबूती प्रदान की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको मजबूती प्रदान की है। आज गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है, पक्की सड़क, 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को पक्की सड़क पहुंचा दी गई है, 1.5 लाख से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बना दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं गांव को, पंचायतों को, इसलिए गांव के विकास के लिए काम चल रहा है। एक समय में पंचायत के विकास के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए आता था, और आज पंचायत के विकास के लिए मोदी जी 5 करोड़ रुपए प्रति साल भेज रहे हैं, 5 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना,
पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल और एक किलो दाल, 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ लोगों को मोदी जी हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल भेज रहे हैं, ताकि कोई भी भूखा न रहे, कोई भी भूखा न रहे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ये टीएमसी के लोग, इनको क्या बोलते हैं, चाल चोर। ये मोदी जी के द्वारा भेजा हुआ चाल भी आपका खा जाते हैं, चोरी करते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या ऐसे लोगों को? इनको घर बैठाओगे ना? मित्रों, आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने यह तय कर दिया, निर्मल कुमार शाह जी को आप चुनाव जिता करके भेजना, अगले 5 साल तक आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा और 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल आपको मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कभी सोचा था, मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, कभी सोचा था कि किसानों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिलेगा सीधे उनके खाते में? आज 11 करोड़ 78 लाख और आपके पश्चिम बंगाल में 46 लाख लोगों के, किसानों के खाते में हर चौथे महीने 2 हजार रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया जा रहा है। और आप फिर से निर्मल कुमार शाह जी को चुनाव जिताओ, अगले 5 साल तक आपको किसान सम्मान निधि मिलती रहेगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, यहां यह भी बताना चाहूंगा कि ममता दीदी ने 70 लाख किसानों को ये सुविधा लेने से रोके रखा। और जब सुकांत मजुमदार को याद होगा, सुकांता आपको याद होगा, आपके नेतृत्व में जब हम वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ रहे थे और विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब जब हम लोगों ने पूरा दबाव डाला, तब जाकर के किसान सम्मान निधि आपको मिली है, तब जाकर के आपको किसान सम्मान निधि। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना करके दिए गए और 52 लाख मकान पश्चिम बंगाल में बने। और मैं यहां यह भी कहूंगा कि ममता जी ने यूसी सर्टिफिकेट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया, पैसे में चोरी हुई, पैसा दूसरी जगह खर्च किया, उसके बावजूद भी 56 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगली बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, मोदी जी आपको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए गरीब लोगों को इलाज के लिए देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री इस योजना के तहत आपको उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस काम को रोकने में आड़ा डालने का काम ममता सरकार ने किया है। अभी भी आयुष्मान भारत का कार्यक्रम चल रहा है, 5 लाख रुपए गरीब लोगों को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ममता जी ने पश्चिम बंगाल में इसको लागू नहीं होने दिया है। लाखों लोगों को, गरीब लोगों के साथ अन्याय किया है। बताइए, अगले विधानसभा में आप ममता जी की छुट्टी करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? आपको आयुष्मान भारत भी मिलेगा, और मोदी जी की तरफ से हमेशा आयुष्मान भारत दिया जा रहा है। मैं आयुष्मान भारत के बारे में एक बात और बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने तय किया है कि जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है, जो भी बहन, जो भी माता, जो भी बुजुर्ग जिसका 70 साल से ऊपर उम्र हो गया, वो किसी जाति के हों, वो किसी मजहब के हों, वो किसी इलाके के हों, वो किसी भी पंथ के हों,
वो किसी भी आमदनी के हों, अमीर हों या गरीब हों, सबको मोदी जी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का इलाज की सुविधा पहुंचाएंगे। 5 लाख रुपए ऐसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा आपको कि जहां विकास के काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहीं प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के साथ न्याय भी किया है। आपको टैक्स में हिस्सा 287% आपका टैक्स में हिस्सा बढ़ा है, जिससे आपका विकास हो रहा है। ग्रांट इन एड 268% ग्रांट इन एड में आपको जो सहायता दी जाती है केंद्र की तरफ से, उसमें मोदी जी ने 268% दिया है। कलकत्ता के लिए स्मार्ट सिटी में 940 करोड़ रुपए दिए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाया है। आपके निर्मल शाह को पढ़ने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, आज आपकी पढ़ाई कल्याणी में कलकत्ता में होगी और सबसे अच्छी पढ़ाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रही है। इसीलिए 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, कभी सोचा था कि ये मेडिकल कॉलेज दिए जाएंगे। इसलिए विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से काम को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए मैं यहां आया हूं कि मुझे आप एक अपना लाडला, एक अपना निर्मल, एक अपना स्वच्छ छवि वाला, एक अपना डॉक्टर, डॉक्टर निर्मल शाह को मेरे लिए, मेरे निवेदन पर मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आप उनको चुनाव जिताइए। बोलिए निर्मल शाह जी को आप चुनाव जिताएंगे ना? जोर से बोलो भाई, जिताएंगे ना? आपका धन्यवाद। लेकिन मैं यहां यह भी बोलना चाहता हूं, निर्मल कुमार शाह जी को तो आप चुनाव जिताओ, लेकिन ममता जी को भी आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से उनका कुशासन चल रहा है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। ममता जी मां, माटी, मानुष ये बात करके आई थी सत्ता में, बताइए आई थी कि नहीं आई थी? आई थी ना? आप बताओ पश्चिम बंगाल में हमारी माताएं सुरक्षित हैं क्या? सुरक्षित है क्या? आप बताइए इसी बंगाल में संदेश खाली की घटना घटी कि नहीं घटी? महिलाओं का उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को तकलीफ दी गई कि नहीं दी गई? महिलाओं के इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? और ये शाहजहां शेख को बचाने का काम ममता जी ने किया कि नहीं किया? ममता जी को बचाने के लिए ये शाहजहां शेख के तरफदारी की कि नहीं की? इसलिए इनको मां से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। ममता जी को मां से कुछ लेना देना नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत ही तकलीफ का विषय है, दुख का विषय है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत, उनकी आबरू वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। क्या ये इस तरीके की घटना चलती रहेगी? क्या चलने देनी है? क्या इनको सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब आप बताइए, मानुष की बात कर लें, माटी की बात कर लें, आप बताइए टीएमसी के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता कम हैं और लूट खसोट ज्यादा करते हैं, उन्होंने गरीब आदमियों के जमीन को हथियाने का काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? गरीब आदमी के जमीन को हथियाने का काम किया कि नहीं किया? ये इनकी माटी के प्रति वफादारी है। ये पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ धोखा है, गरीब लोगों के साथ धोखा है, ये टोलाबाजी चल रही है। बोलो ऐसी सरकार को चलने देना है क्या? मैं आपके सामने मानुष की भी बात कहना चाहता हूं। आप बताइए
बिना टका दिए कोई काम होता है क्या? कोई काम होता है क्या? टोलाबाजी है कि नहीं है? पूरी टोलाबाजी है कि नहीं है? जरा मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, टोलाबाजी है कि नहीं है? आप बताइए, ऐसी सरकार को आने देना है क्या? इनको आगे बढ़ने देना है क्या? तो एक तरफ ये टीएमसी के लोग हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं जो आपका हक छीनकर घुसपैठियों की तरफदारी करते हैं, जो आपका हक छीनकर घुसपैठियों के तरफ नरम रहते हैं। आप बताइए, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के हमारा हिंदू भाई क्रिश्चियन भाई आया था कि नहीं आया था? आया था कि नहीं बंगाल में? और उनको नागरिकता देने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? और ममता जी ने विरोध किया कि नहीं किया? इनके घुसपैठिए क्या लगते हैं? क्या लगते हैं इनके घुसपैठिए जिनके प्रति आप नरम रहते हो? ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इस तुष्टीकरण की राजनीति का हम विरोध करते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमने पहले कहा ये आरक्षण के विषय में हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग, इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जो हमारे दलित भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे ओबीसी भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे आदिवासी भाई का और दलित भाई का हिस्सा मारे और हिस्सा मार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास करे, ऐसे लोगों को घर बैठाना है और इनको एक्सपोज करना है, ये हम सबको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, ये कांग्रेस हो चाहे तृणमूल हो चाहे सीपीएम हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही जगह के चट्टे बट्टे, ये सब एक हैं और ये देश को कमजोर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि बहरामपुर से आवाज निकले और वो आवाज ये निकले कि राष्ट्रवादी ताकतों के साथ बहरामपुर खड़ा है और समाज सेवा करने वाले डॉक्टर निर्मल साहा को एक मत से चुनाव जिता करके भेजने वाला है तो बहरामपुर भेजने वाला है। बोलिए, आप करेंगे ना? कमल के निशान पर वोट देंगे ना? कमल का ध्यान रखेंगे ना? कमल का बटन दबाएंगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम।